मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज के प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि 18वां लगातार श्रेणी से चल रहा है, इसके अध्यक्ष श्री राम सिंह खंडोदिया जी, प्रदीप जी, राजेश वर्मा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि प्रजापति महासभा जो कि सभाओं की एक महासभा है दिल्ली में और एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने बड़े लेवल पर शादियों का आयोजन और प्रतिभाओं को सम्मान देने का आयोजन करता है। क्योंकि मैंने खुद समय मांगा कि मुझे 2 मिनट दिया जाए, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ जिस प्रतिभाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं उसमें बहुत सारे युवा बच्चे हैं जिन्होंने ना केवल प्रोफेशनल क्षेत्र में बल्कि 11वीं 12वीं और डिफरेंट डिग्रीज में अपने बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से आज मंच से इस समाज को जिसको बहुत जरूरत है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, और किसी भी समाज की 2 चाबियां होती है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक होती है एजुकेशन, एक होती है पॉलिटिक्स और एक होती है जुडिशरी। जिसके क्षेत्र में अगर जो कोई भी बच्चा हमारा आगे बढ़ता है तो वो आने वाले समय में इस देश का नाम रोशन करता है, इस समाज के उन्नति का भागीदार बनता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक शिक्षा की बात है, क्योंकि मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, मैंने PhD करी है और ऑलमोस्ट 22-23 कंट्री विजिट की है, और शायद अकेला इंडिया में ऑफिसर हूँ जिसको भारत सरकार द्वारा 13 कंट्रियों में जाने का मौका मिला। अभी 2 महीने में जापान में था और वहां जाके देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा है क्या। शिक्षा एक्चुअली जो हमारे बच्चे हमारे सामने वो एक्चुअल बच्चा है, और जो हम सोचते हैं कि ये बच्चा ये बनना चाहिए उस गैप को जो फिल करता है वो शिक्षा है। आज जो बच्चे हमारे सामने हैं वो बच्चे जिस रूप में हम उनको देखते हैं और जैसा चाहते हैं हम कि ये बच्चा IAS बने, IPS बने, सिविल सर्विसेज में जाए या अच्छी ग्रुप ए पोस्ट ले, उस गैप को फिल करने का काम शिक्षा है। तो आज मैं सभी पेरेंट्स से जो मौजूद हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चे पे पहले तो उसको समझिए, उसमें विश्वास रखिए। हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, जिस दिन आप उस बच्चे की काबिलियत समझ जाओगे और उस बच्चे में आप और बच्चों से ज्यादा अच्छे गुण उसमें देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि वो बच्चा आपकी आने वाले टाइम में कि जो भी आपने उसके लिए सोचा वो पूरा करेगा। वो एक चीज और उम्मीद करता हूँ, खासकर राम सिंह खंडोदे जी से रिक्वेस्ट करूंगा इतने बड़े मंच से, कि जहां तक हमारा समाज में हर तरह के कार्य हो रहे हैं आजकल, लेकिन एक स्कूल की कमी हमें हमेशा खलती है। आज इस मंच से मैं रिक्वेस्ट करूंगा राम सिंह खंडोदे जी से कि अगर समाज के कोई दानी कुछ इस तरह के लोग एकजुट हो जाए, और जहां तक मैं समझता हूँ कि जिस दिन सोच ऐसी होगी, संगत हमारी हो जाएगी और संघर्ष करेंगे तो एक दिन हमारे समाज का एक अच्छा बड़ा स्कूल होगा, और उस स्कूल के अंदर डोनेशन से एडमिशन होंगे और हमारे समाज के बच्चे फ्री में एडमिशन पढ़ेंगे, वो उस दिन हमारे समाज की एक्चुअल तरक्की होगी। साथ ही मैं अपनी, क्योंकि मेरी पोस्ट है MCD में, एडिशनल डायरेक्टर हूँ मैं अभी, और साउथ जोन में बैठता हूँ, मेरे पास भी कम से 2-2.5 टीचर उससे रिपोर्ट करते हैं। हमारे समाज के टीचर्स में अभी देख रहा था कुछ बच्चे JBT कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं। आप लोग, फिर मैं बोलता हूँ कि आपने विश्वास रखिए, R&D होती है, रिसर्च करिए, अखबारों में देखिए जब वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी की जगह प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। जहां भी मौका मिलता है एक बार पहले आप उस नौकरी को हासिल कर लीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। और जहां तक आप लोगों के सामने आज प्रतिभा सम्मान समारोह में ये सब लोग थे, ऊंची सोच रखेंगे आप, हमेशा बड़ी ऊंची पोस्ट रखिए। टीचर भी बनना है तो कॉलेज में टीचर बनना है, उसके बाद आप देखना कि आप सरकारी नौकरी तो हमेशा पा जाओगे। मास्टर डिग्री कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए और कॉलेज में प्रोफेसर बनिए। मेरी भाई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में है मैनेजर, और अभी 4 तारीख को मैं अभी राजाराम जी से बात कर रहा था, उसका डिप्टी रजिस्ट्रार का अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है। तो हम लोग जिस लेवल से शुरू हुए हैं ऊंची सोच रखेंगे तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे। और इस समाज को सिंपैथी की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है एम्पैथी की जरूरत है, कि लोग हमारे बारे में समझे
हमारी कार्यशैली देखें, हम कितने मेहनत कर रहे हैं उसको समझें। और एक बार फिर वही बात है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास, हम सब आपके साथ में हैं। किसी भी तरह की मेरी जरूरत पड़ती है समाज को तो मैं आगे हमेशा अग्रसर हूँ। और जिन बच्चों ने आज ये प्रतिभा सम्मान में जिनको भी सम्मान मिला है उनका एक बार हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।